गर्व से कहो हम, बोलो घर हम छोड़ते नहीं, नशा हम छोड़ते नहीं, बोलिए ना गर्व से कहो हम हिंदू हैं। हमारे यहाँ तो पार्टी बहुत है। एक दिन इलेक्शन कमीशन का आदमी मिला, बोले महाराज जी इतनी पार्टी हमारे देश में, जितने बड़ी हमारी लंबाई है ना इतनी लिस्ट बन जाएगी, फिर भी कागज कम पड़ जाएगा। करेक्ट बोला। जब तक हमारे देश में दो पार्टी नहीं होंगी, पक्ष और विपक्ष, तब तक देश का विकास और सुधार संभव नहीं है। बोलो होना चाहिए। हम लोग स्वार्थी हैं, साथी नहीं। पर एक बात याद रखना, सच्चा साथी वही होता है, सच्चा मित्र वही होता है, सच्ची नारी वही होती है, सच्चा धर्मज्ञ वो होता है। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत काल परखियो उचारी। धैर्य धर्म मित्र नारी की परीक्षा महाराज विपत्ति आने पर ही होती है। पर आप तो देखा होगा, विपत्ति आए तो घरवाली छोड़ दे, घरवाला छोड़ दे, भाई छोड़ दे, मित्र छोड़ दे, धर्म छोड़ दे, कोई कछु ईसाई बनवाओ। एक एक व्यक्ति बोला ईसाई बहुत हो गए, मुसलमान बहुत हो गए। मैंने क्या अरब से आए का यूरोप से आए? हमारे भारत में जितने भी हिंदू हैं या मुसलमान हैं, बौद्ध हैं या पारसी हैं, वो सभी कन्वर्जन हैं। बोलो कहां से आए सब लोग, कौन है उसकी देन? हम। जब कड़वा सच अब सुनाई कानों में देता है तो पर्दा हिलता है महाराज। कौन है जिम्मेवार? हम। लो जिम्मेवारी, कौन कौन है जिम्मेवार बताओ? हम ही हैं। जब घूम फिर करके कहीं जब टांग झांक करेंगे, आज अगर मुसलमान को आगे बढ़ाया वो हिंदू है, ईसाई को आगे बढ़ाया वो हिंदू है, बोलो है कि नहीं? बौद्धों को बढ़ाया वो हिंदू है, और फिर भी इसी गर्व से कहो हम हिंदू हैं। कैसे कहें हम हिंदू हैं? प्रश्न मेरा है अपने आप से, हम कैसे कहें गर्व से कि हम हिंदू हैं? हमें क्या ऐसा? प्रेम से कहिए जय सियाराम, जोर से बोलो जय सियाराम।